कोई ऑडियंस को मौका देना चाहिए कि आप कुछ कीजिए एंड विल क्लैप। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने शुरुआत टेलीविजन शो प्रोड्यूस करते हुए की थी, फिर मतलब ये जो इतना बड़ा साम्राज्य है, बाजार साउथ इंडियन इंडस्ट्री का, उसको YouTube के थ्रू डब करके हिंदी ऑडियंस तक लाने का, ये पूरा जो सिनेरियो है, ये कैसे बदला आपने, क्या सोचा? 2006-07 में हमारे वहाँ पे एक मल्टीप्लेक्स कल्चर आ गया कि जहाँ पे सिंगल स्क्रीन बंद हो रही थी और दे वर गेटिंग रिप्लेस बाय मल्टीप्लेक्स। तो वहाँ पे जो जो तभी हमारे फिल्म मेकर ने पिक्चर बनाने चालू की, दे वर मोर टुवर्ड्स द मल्टीप्लेक्स, वी आर मिसिंग आउट ऑन एक्शन जोनर, और सैटेलाइट चैनल में भी लग रहा था कि एक्शन मूवीज मिल रही है। तो दैट टाइम वी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग और हमने पहली पिक्चर दी मास, इट्स अ 2004 मूवी स्टारिंग नागार्जुन, और हमने उसको डब किया मेरी जंग वन में नाना। वो पिक्चर वाज अ सक्सेस ऑन सैटेलाइट टेलीविजन, हमने वो स्टार्स को पिकअप किया लाइक नागार्जुन, चिरंजीवी, रजनीकांत, जिन्होंने पहले भी हिंदी पिक्चर्स में एक्टिंग की, उनकी हिंदी पिक्चर आ चुकी है, तो दो स्टार्स वर फैमिलियर विद द हिंदी ऑडियंस, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। इंद्रा द टाइगर की, शिवाजी आई, किंग आई, नागार्जुन की, देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। और अल्लू के साथ फिर अगली फिल्म भी आ रही है, अलग आ रही है, उसके बारे में, क्योंकि अब इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई है तो फैंस बड़े बेकरार हैं, आप किस तरीके से इसको? जो अल्लाह पिक्चर है वो हमारे हिंजा चैनल पे आ रही है ऑन 13 फरवरी, द वैलेंटाइन वीकेंड एट 8 o'clock इन द इवनिंग। और ये पिक्चर जो है वो इट इज द बिगेस्ट नॉन बाहुबली हिट फ्रॉम द साउथ, इसके सॉन्ग्स आर ब्लॉकबस्टर्स, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये पिक्चर लोगों को पसंद आएगी, लोग एंजॉय करेंगे और लोग बार बार देखेंगे। मैं वहाँ ट्रेलर लॉन्च पे खुद मौजूद था, अल्लू अर्जुन ने आपकी इतनी तारीफ की, आपके और उनके जो बॉन्ड को किस तरीके से देखते हैं? ये बॉन्ड है लास्ट 6-8 साल का, और हर एक स्टार जो साउथ का है, दे हैव सीन देम ग्रोइंग। आज जो भी हीरो को मिलता हो, हीरोइन को मिलता हो, वो देखिए जब हम नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो लोग हमें पहचानते हैं। बीच में मेरी बात हो रही थी कार्तिक से, कार्तिक बोलता है कि मैं हिमाचल में था तो वहाँ का चाय वाला भी पहचान लिया था, मैं ऑटोग्राफ मांग रहा था। तो हीरो को भी अच्छा लग रहा है कि उन लोग को खाली उनके स्टेट में नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और पूरा इंडिया रिकॉग्नाइज कर रहा है। एवरी हीरो फील्स हैप्पी, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। जी आपने मतलब मुझे नहीं लगता साउथ इंडियन स्टार्स कोई ऐसा हो जिसके फिल्मों में काम आपका डबिंग का डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा ना किया हो। सबसे फन लविंग, सबसे हार्ड वर्किंग कौन लगता है? अल्लू अर्जुन इज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, वेरी फोकस्ड, ही वांट्स टू बी अ सुपरस्टार।